एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सासनी में स्थित सुमरत गढ़ी गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर है। लगभग 4000 की आबादी व 1000 वोटरों द्वारा सावित्री देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 285 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में 135 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 20 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 3 खराब हैंडपंपों को भी रिपोर्ट कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 35 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 223 इज्जत घरों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, शमशान घाट, स्कूल की बाउंड्री, कन्या इंटर कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति सुरेश चंद, ग्राम पंचायत सुमतगढ़ी और तहसील सासनी, ब्लॉक सासनी, डिस्ट्रिक्ट हाथरस, मेरे गाँव में इंटरलॉक कराई थी, 2-3 गली हो गई है और 2-3 नालियों की व्यवस्था करा दी है, लेकिन अभी गांव का विकास काफ़ी अधूरा है। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी विनती है कि बजट ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जाए और हमारे यहाँ शमशान घाट का सौंदर्यीकरण होना है, वो अभी तक नहीं हुआ है और स्कूलों में इंटरलॉक वगैरह लगवानी है, उसके लिए बजट नहीं है और स्कूल की एक जूनियर स्कूल है उसकी दीवार काफ़ी नीची है, उसके दीवार को लगवाना है, इसलिए बजट की काफ़ी कमी है। ग्राम पंचायत छोटी है, 15-20 साल से इतना विकास नहीं हुआ है, गांव का विकास होना काफ़ी अधूरा है, इसलिए बजट ज़्यादा से ज़्यादा महीना कराया जाए।